आज हम आए हैं पार्क में और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम अपना संडे कैसे गुजारा हमने। तो ये देखिए आज संडे है और इशाल फातिमा को छुट्टी थी तो हम पार्क में आ गए क्योंकि पार्क में बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और हम साथ में माल्टे वगैरह ले आए ताकि हम यहाँ पर बैठ के खाएँ। और देखिए पार्क में बहुत सारे लोग थे क्योंकि संडे की वजह से सबको छुट्टी थी बच्चों को, तो वो सारे अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कवल विद इशाद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की हर खुशी दे और सब बेउलाद लोगों को नेक और ज़िंदगी वाली औलाद दे, आमीन। यहाँ पर इशाल अपने पापा से माल्टे मांग रही है और देखें ये क्या कर रहे हैं। तुमने मोटे क्यों कहा? तो यहाँ पर एक ना बिल्ली भी जा रही है, वो देखिए सामने आपको शायद नजर आ रही हो पार्क में। और यहाँ पर काफी मोटी मोटी बिल्लियाँ हैं और चिड़िया भी बहुत प्यारी हैं यहाँ पर दरख्तों पर, और बहुत प्यारा ये पार्क है हमारा जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो ये देखिए इशाल फातिमा अपने पापा से माल्टे मांग रही है और अपने पापा को इसने मोटा भी बोला है। तो मैं घर से नमक भी ले आई थी क्योंकि माल्टे जो है वो नमक के बगैर नहीं खा सकती क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते नमक के बगैर, इस वजह से मैं नमक के साथ खाती हूँ। ये देखिए नमक मैं घर से ले आई थी और साथ में माल्टे भी हम ले आए थे। तो इशाल को ये देखे मैं बुखार चेक कर रही हूँ, इसको अभी बुखार है लेकिन ये हटती नहीं है, कहती है कि मैंने माल्टे खाने हैं। यही खानी पैनी है, दे दो ले दो। मैंने पूछ रहा खानी नहीं खाई, मैं खा लूंगी नहीं खानी, मैंने तेरे से पर्चा करा देना। पर्चे देना है दो इन 30 रुपये। ये लो पहले घट करने दिया सी, हुण तू मम्मा आप बात दी है कर गया ना नाल। तो यहाँ पर देखिए इशाल फातिमा ने ज़िद करके माल्टा ले ही लिया और खा रही है माल्टा और बहुत खुश है क्योंकि इसको माल्टे बहुत पसंद है। लेकिन इसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको बुखार था पिछले दिनों बहुत ज़्यादा और इसका गला भी ख़राब था, तो ये 5-6 दिन से मेडिसिन खा रही है। और यहाँ पर पार्क में सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, धूप बहुत मज़े की लग रही थी और साथ में माल्टे भी, और हमने माल्टे भी इंजॉय किए, धूप को भी इंजॉय किया। और ये देखिए सब लोग अपने अपने जो खेलों में मसरूफ़ हैं, बच्चे जो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर आकर। और धूप बहुत अच्छी निकली है ये देखें, और दरख्त वगैरह सब कुछ। और ये हमारे माल्टे जो है हमने ख़त्म कर दिया, अब मैं बास्केट में इनको फेंक दूँगी क्योंकि पार्क में जाके कोई भी चीज़ खाएं तो अपना कचरा जो है वो बास्केट में फेंकना चाहिए, ना कि उधर ही छोड़ देना चाहिए। वो इसलिए कि अपना जो इर्द गिर्द का माहौल है वो हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, फिर वो अच्छा लगता है। और सफाई वैसे भी नीड्स ईमान है। तो ये देखें जी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखें जी। और ये जो भाई हैं बैट लेके खड़े हैं, ये भी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं इनको। और सारे जो पार्क में अपने अपने खेलों में मसरूफ़ हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा जो पार्क का व्लॉग है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों ने मेरी कल वाली और परसों वाली वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो पर आए हैं और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज संडे था इस वजह से सब बच्चों को छुट्टी थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था। तो अब हम तो जा रहे हैं घर क्योंकि आदिल ने जाना है वापस काम पर, और हम जा के सामने से इशाल फातिमा को लेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे घर।
और विशाल फातिमा वो सामने झूले पर बैठी हुई है, तो मैं आपको करीब जाके दिखाती हूँ कि वो देखें उधर, फिर वो हमारे साथ घर जाएगी और उसका भी मोड़ नहीं है घर जाने का। ये देखें कितनी जल्दी घर जा रहे हैं हम लोग। तो विशाल कह रही है कि मुझे एक स्लाइड लास्ट वाली लेने दें बस, उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो ये देखें स्लाइड के ऊपर चले गई है और हम इधर खड़े उसका वेट कर रहे हैं कि वो स्लाइड ले ले और उसके बाद हम घर जाएं। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मेरी वीडियो को और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करना। और जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जाते जाते ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बार वक्त पहुंच सके। और मेरे वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, जैसे आगे आप मेरी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं इसी तरह आज भी मेरी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा ये पार्क का ब्लॉग कैसा लगा है। और विशाल फातिमा ऊपर स्लाइड पर है और सब बच्चे एक एक करके नीचे आ रहे हैं, उसके बाद विशाल की बारी आएगी तो विशाल स्लाइड लेगी, उसके बाद हम घर जाएंगे। और ये पार्क हमारा जो है वो काफ़ी बड़ा है और हमारे घर के बिल्कुल सामने आया है, इसलिए हम जल्दी से आ जाते हैं और जल्दी से घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर विशाल आकर बहुत खुश होती है, तो वो देख के सामने से विशाल आपको नज़र आ गई। हेलो तो विशाल फातिमा बहुत खुश है, वो आज पार्क में काफ़ी दिन के बाद आई थी सुबह के टाइम और भाग भाग कर आगे जा रही है और कह रही है दोबारा कब आना है। तो हम जल्द ही आएंगे दोबारा पार्क में और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी है और लाइक भी कर देना मेरी वीडियो को। तो दुआ में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।